पति और पत्नी सुहागरात मना रहे थे और सुहागरात मनाते समय पति और पत्नी की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? जब भेद खुला तो लोग दंग रह जाते हैं। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है तमिलनाडु के तिरुवल्लम जिले की। दोस्तों, 10 बजे दिसंबर को मैरिज हॉल में एक शादी चल रही थी। लोग बहुत ही धूमधाम से शादी करवा रहे थे। वहां पे जो दूल्हे का नाम था आकाश था, जिसकी उम्र 26 साल थी, और दुल्हन का नाम था सुनीता, जिसकी उम्र 25 साल थी। उनका 4 साल पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई थी। वो शादी करना भी चाहते थे, लेकिन बीच में कोरोना की लहर चली थी, तो उस समय उनकी शादी टल गई थी। और फिर उसके बाद अब शादी तय की गई थी, उनकी शादी अब फिलहाल हो रही थी। दूल्हा और दुल्हन दोनों ही खुश थे, क्योंकि दोनों को मनमर्जी का अपना जीवन साथी मिल रहा था। शान से शादी हो रही थी, और जैसे ही शादी होने के बाद लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तो दूल्हा दुल्हन भी अपने घर चले जाते हैं और उनके घर वाले उनको एक कमरे में भेज देते हैं स्वागत मनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, रात को 1 बजे दूल्हा दुल्हन के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। घर वाले एकदम से हड़बड़ा कर उठते हैं और सोचते हैं कि ये आखिर आवाजें इतनी जोर जोर से क्यों आ रही हैं। तो वह उस दरवाजे को खोलते हैं, और दरवाजे को जैसे खोला जाता है तो जो दूल्हा था, जिसका नाम आकाश था, उसके हाथ में लोहे की रॉड थी, और लोहे की रॉड से वह अपनी पत्नी को, जिसका नाम सुनीता था, उसको पीट ही जा रहा था। और सुनीता खून से लहूलुहान थी, बेड के ऊपर पड़ी हुई थी, सारे कपड़े खून से लथपथ हुए पड़े थे। अब दोस्तों, जैसे वो दरवाजा खोलते हैं तो आकाश वहां से फरार हो जाता है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती है उसको रोकने की, क्योंकि आकाश के सर पर खून सवार था। अब दोस्तों क्या होता है, सुनीता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो जाती है, और फिर पुलिस को वहां पर बुलाया जाता है। पुलिस मामले की छानबीन करती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ से आकाश अपनी शेरवानी पहने हुए फंदे पर झूल रहा है। दोस्तों, यह सुनते ही पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, जो दोनों की जान चली गई। दोस्तों, पुलिस उस डेड बॉडी को नीचे उतारती है और फिर पता लगाने में जुट जाती है। घर वालों से पूछती है क्या इनका कोई दुश्मन था या फिर इन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी थी, लेकिन घर वाले ये कह देते हैं कि हाँ, इनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि 4 साल से ये लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और इनकी तो मनमर्जी से शादी हुई थी। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तभी क्या होता है दोस्तों, पुलिस आकाश के फ़ोन को, जो फ़ोन कॉल डिटेल्स होती हैं, उनको चेक करती है कि आखिरी बार इसके फ़ोन से किसके फ़ोन पर फ़ोन किया गया था। तो पता चलता है, जब सुनीता को मारने के बाद जो आकाश से जंगल की तरफ जा रहा था, तो अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है, उससे कुछ बातें करता है। तो पुलिस उस दोस्त को उठा लेती है और उससे पूछती है कि तुमसे लास्ट बार आकाश ने क्या बात की थी। तो वह दोस्त बताता है कि आकाश ने मुझसे कहा था कि शाम को जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया तो वह किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, और मैंने उससे पूछा कि यह कौन है, तो उसने बताया कि यह तो मेरा एक दोस्त है। उसके बाद जब रात हो जाती है, जब सुनीता सो जाती है, तो आकाश उसके फ़ोन को चेक करने लगता है और फिर उसी व्हाट्सएप को देखता है, उसी व्हाट्सएप नंबर को। तो वहाँ पर बहुत सारी चैटिंग हुई पड़ी थी, तो चैटिंग को जब पढ़ता है तो उस चैटिंग में बहुत सारे प्यार के वादे हुए पड़े थे उस लड़के ने और इसने, सुनीता ने कई बार एक दूसरे को आई लव यू बोला हुआ था। तो इस बात से आकाश गुस्सा हो जाता है और फिर अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है, उससे कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और अपनी पत्नी को जान से मार देता है। दोस्तों, यह बात पुलिस के सामने और जनता के सामने खुलकर आ जाती है, और उन दोनों डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम करवा के उन डेड बॉडीज़ को उनके घर वालों के हवाले छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। बहुत सी लड़कियां डबल गेम खेलती रहती हैं, पति के साथ अलग, प्रेमी के साथ अलग, और कई तो ऐसी होती हैं जिनके कई कई प्रेमी होते हैं, उनके साथ डबल गेम खेलती रहती हैं और पैसा ऐंठती रहती हैं। लेकिन वो लड़कियां ये भी समझ लें, सोच लें कि जिस दिन भांडा फूटेगा उस दिन ना आप रहोगे ना आपका प्यार रहेगा, और इस दुनिया से मिटा दिए जाते हैं ऐसे लोग। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कभी भी गलत रास्तों पर ना चलें। अगर एक पति का साथ मिला है तो उसी का साथ दें, उसी के साथ जीवन भर गुजारें और ईमानदारी से अपने साथी के साथ रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं हमारे, कुछ भी सीखने को यहाँ से मिलता है, तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधानी से रहें, सतर्क रहें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।